नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड करंट अफेयर का पार्ट नंबर सेकंड, और इसके अंतर्गत जो विशेष टॉपिक है वो है अम्ब्रेला एक्ट उत्तराखंड में जो वर्तमान में सुर्खियों में चल रहा है। दूसरा मॉस गार्डन, उत्तराखंड और भारत का पहला गार्डन मॉस गार्डन। पॉलिनेटर पार्क जो वर्तमान में हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र, ये भारत और उत्तराखंड का सबसे पहला और एकमात्र स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र। उसके अलावा मंगलेश डबराल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनसे संबंधित प्रश्न जो करंट में सुर्खियों में है। उसके अलावा सातवां पॉइंट है बाल सुलभ पुलिस स्टेशन जो देहरादून के डालनवाला में बनाया गया है, और उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है और इसका महत्वपूर्ण क्या योगदान है। तो मैं वन बाय वन इनको आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले चलते हैं अम्ब्रेला एक्ट में, किससे संबंधित है, क्या है, आपके सामने आ रहा पूरा डिटेल। ये देखिए अम्ब्रेला एक्ट क्या है, अम्ब्रेला अधिनियम इसे कहा जा रहा है, और 23 सितंबर 2020 को इसे अभी पारित किया गया है। तो क्या है इसका उद्देश्य, कि राज्य विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाना। उत्तराखंड राज्य के विश्वविद्यालयों में खासकर जो प्रॉब्लम चल रही है कि वहां पर कुलपतियों के पद को लेकर, कि कुलपति आखिर बनेगा कौन, वो केवल शिक्षाविद होगा या उसमें कोई भी सामान्य यानी प्रशासनिक वर्ग से आए हुए व्यक्ति होंगे। तो इसी को लेकर कुछ समय पहले याचिका दायर की गई थी, अंततः उसमें जो मामला आया वो कहा गया है कि आज की डेट में राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति पद हेतु केवल शिक्षाविदों को ही शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि अपर मुख्य सचिव रैंक के आईएएस अधिकारी और उद्योग क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हो सकेंगे, मतलब राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के योग्य हो सकेंगे। तो प्रश्न क्या था, अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे है, राज्य विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए। कब प्रस्ताव पारित हुआ इससे संबंधित उत्तराखंड विधानसभा में, तो 23 सितंबर 2020 को। और इसमें क्या सुझाव दिए गए हैं, तो कि केवल शिक्षाविद नहीं रहेंगे कुलपति, बल्कि इससे अपर मुख्य सचिव रैंक के वरिष्ठ आईएएस वगैरह भी होंगे, उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और वरिष्ठ वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हो सकेंगे। अच्छा, दूसरा हमारा टॉपिक है मॉस गार्डन। मॉस गार्डन की स्थापना अगर पूछता है तो यह है 20 नवंबर 2020 नैनीताल जिले के खुरपाताल से। यह देश का पहला मॉस गार्डन है। उद्घाटन किसने किया था, तो राजेंद्र सिंह ने। राजेंद्र सिंह कौन है अगर प्रश्न, तो इन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के पर्यावरणविद, बावड़ी मैन के नाम से फेमस है राजस्थान में। और राजेंद्र सिंह ने ही राजस्थान में या पूरे भारत के संदर्भ में तरुण भारत आंदोलन चलाया था 1980 और 1990 के दशक में। तरुण भारत आंदोलन यानी पर्यावरण जन जागरूकता हेतु, और इसी संदर्भ में उन्हें एशियाई नोबेल पुरस्कार रेमन मैक्सेसे भी दिया गया था। उद्देश्य क्या है मॉस गार्डन का प्रश्न पूछे तो, ब्रायोफाइटा प्रजाति की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करना, और ये इसका उद्देश्य है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रजातियों को शामिल किया जा रहा है। तो ये था मॉस गार्डन, तो खासकर खुरपाताल नैनीताल में देश का पहला मॉस गार्डन कहा जा रहा है। उद्घाटन करने वाले वाटरमैन ऑफ इंडिया या बावड़ी मैन। तीसरा पॉइंट यहां पर पॉलिनेटर पार्क उद्घाटन 29 दिसंबर 2020 को हल्द्वानी में हुआ है इसका उद्घाटन। और किसने किया, तो पीटर स्मैटिक ने, जो कि तितली विशेषज्ञ माने जाते हैं। और उत्तराखंड का तितली संग्रहालय कहाँ है पूछेगा, तो भीमताल में है तितली संग्रहालय। और पीटर स्मैटा ने इस तितली संग्रहालय की नींव डाली थी कभी, और वर्तमान में जो तितली विशेषज्ञ हैं उत्तराखंड में वो पीटर स्मैटिक उन्होंने, और संदीप चतुर्वेदी जी ने जो कि वन अनुसंधान केंद्र के मुख्य वन संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में इसका उद्घाटन हुआ था 29 दिसंबर 2020 को। उद्देश्य क्या है, पक्षियों और मधुमक्खियों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण, लगभग 50 प्रजातियों के संरक्षण की बात उठी है इसमें, तो एक अच्छा सा पॉइंट आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना IAKGY जिसे हम कह रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाई गई है। इसका उद्देश्य है कि किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। अच्छा, दूसरा किसानों की आय को दुगना करना, और सबसे बड़ी बात जो ब्याज मुक्त ऋण जो किसानों को मिलता था आज तक, उसमें जो 2 लाख की सीमा थी उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, मतलब किसानों की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना, उनकी रिसोर्स बढ़ाना, और उन्हें बैंक द्वारा या जो लोन देने वाली संस्था है उनके प्रति किसानों का रुझान बढ़ाना। तो इससे किसानों में आत्मसंपन्नता और उनकी
प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना लक्ष्य है। इसका शुभारंभ हुआ है 21 अक्टूबर 2020 को और माननीय मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी के नेतृत्व में। तो यह ध्यान रखना, कृषि से संबंधित मामला है तो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी। स्थापना इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो माजरी ग्रांट डोईवाला देहरादून से हुई है इसकी शुरुआत। और सहयोग कौन कर रहा है इसमें, नाबार्ड जो संस्था है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, वो इसमें सहयोग कर रहा है, उसके सहयोग से और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से ये योजना चलाई जा रही है। और जो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी आर चिंतला, ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जी आर चिंतला इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो फिर से मैं एक बार आपके सामने इस टॉपिक को रखता हूँ जो इसमें खास खास बातें हैं। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की बात चल रही थी, किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें ब्याज मुक्त ऋण की सीमा बढ़ाना, इसके अलावा उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। कहाँ से शुरू हुई, तो 21 अक्टूबर 2020 को देहरादून से माजरी ग्रांट डोईवाला से। कौन सहयोग कर रहा है, तो नाबार्ड सहयोग कर रहा है इसमें और डॉक्टर जी आर चिंतला जो इसमें महत्वपूर्ण सहयोग करने वाले लोग हैं उनके, उस संस्था के अध्यक्ष। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पर योजना है वो आपके सामने फिर से, हिम तेंदुआ संरक्षण स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की बात हो रही है उत्तराखंड में। आप काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है मामला, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए खासकर हिमालयी क्षेत्र या हिमालयी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भैरव घाटी में, भैरव घाटी यानी लंका के पास इसकी स्थापना की जा रही है संरक्षण केंद्र की। कब, 1 अगस्त 2020 को स्थापना इसकी कब की गई ये पूछेगा तो, स्थान कहाँ, उत्तरकाशी, लंका, भैरव घाटी, जो भी दे, इस देश इसमें, इस संस्था में या इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला देश यूरोपीय देश नीदरलैंड, और वहीं के डिजाइन प्रोफेसर डिजाइनर डिजाइन किसने किया है अगर इसका पूछेगा तो, प्रोफेसर एनिफिनिस्त्रा, ये देखिएगा, इसके डिजाइन बनाने वाले, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर डेवलप करने वाले और उसका डिजाइन देने वाले नीदरलैंड के ही प्रोफेसर एनिफिस्ट्रा, और यहाँ के वन मंत्री जो इनसे जुड़े हुए हरक सिंह रावत। अच्छा, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा कहा जा रहा है इसको, और इसी संदर्भ में अगर प्रश्न बनने की संभावना रहती है तो 23 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, और उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या लगभग 686 के आसपास। तो फिर से मैं आपके सामने इसको रखूंगा, स्नो लेपर्ड सेंटर उत्तराखंड का और भारत का एकमात्र और पहला, 1 अगस्त 2020 को उत्तरकाशी, भैरव घाटी और लंका और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के समीप का क्षेत्र है, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य भी वहीं पर है, नीदरलैंड के सहयोग से, प्रोफेसर एनेफिस्टा नीदरलैंड के पर्यावरणविद और वैज्ञानिक, देश का पहला हिम तेंदुआ संग्रहण केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस और हिम तेंदुओं की संख्या। छठा टॉपिक, मंगलेश डबराल जिनका हाल ही में निधन हुआ है 9 दिसंबर 2020 को, उनसे कोई क्वेश्चन बनता है तो मैंने आपके सामने इसे रखा है। तो एक तो उनका जन्म कहाँ से है मूलतः, उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित अगर इस टाइप का प्रश्न बनाता है तो, 16 मई 1948 को टिहरी के काफल पानी में उनका जन्म हुआ था, यानी टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। और क्यों ज़्यादा फेमस हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको वर्ष 2000 का भारत सरकार द्वारा, हम जो देखते हैं उस रचना के लिए खास पॉइंट था। इसके अलावा उनकी रचनाओं को मैंने आपके सामने इस टाइप से रखा हुआ है, उनके काव्य संग्रह 5 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह लिखे हैं उसमें, जिसमें हम जो देखते हैं भी एक महत्वपूर्ण है, उनमें से पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु, ये 4 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह। इसके अलावा हम जो देखते हैं 5वां गद्य संग्रह की बात करेंगे तो, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, ये उनके 2 महत्वपूर्ण गद्य संग्रह है। और यात्रा वृत्तांत की बात कहूंगा तो, एक बार आयोवा, ये इनका यात्रा वृत्तांत है 10, तो उनसे संबंधित बहुत सारी रचनाएं यहां पर आई हैं, 5, 2, 7, 1, 8 रचनाएं। अच्छा, 7वां टॉपिक जो हमारा है यहाँ पर, बाल सुलभ पुलिस स्टेशन, ये उत्तराखंड का पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन बनने जा रहा है, और ये है कहाँ तो, देहरादून के डालनवाला में। उद्देश्य क्या है ये आपके सामने रखा गया है, इसका उद्घाटन किया है अभी मुख्यमंत्री महोदय ने 12 जनवरी 2021 को, कहाँ, देहरादून के डालनवाला में। कहते हैं कि इसे उत्तराखंड का प्रथम बाल सुलभ स्टेशन है। क्या है उद्देश्य, क्या है इसका, अपराधों से जुड़े बालकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बालक नादानी में जब गलतियां कर जाते हैं तो उनको, उनकी बाल सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है और वो इस प्रकार के अपराधों में लिप्त हो जाते हैं जिससे उनका भविष्य समाप्ति की ओर चला जाता है या वो मिसगाइड होकर गलत दिशाओं की ओर चले जाते हैं। उनको सही दिशा मिले और जो बाल संग्रहालय जहाँ उनको रखा जाता है वहाँ उनके साथ नैतिक तरीके से व्यवहार किया जाए और उनको इस प्रकार के उद्देश्य से जड़ा जाए ताकि वो अपराधों से न जुड़ सकें और
अपराध मुक्त हो सकें, इसीलिए अपराधों से जुड़े बालकों को अनुकूल वातावरण देने के उद्देश्य से किया गया है और ये बहुत ही सराहनीय पहल है उत्तराखंड सरकार की। अच्छा, राज्य का पहला इको ब्रिज, ये नेक्स्ट और आठवां और अंतिम पॉइंट है। इको ब्रिज पर्यावरण के अनुकूल ब्रिज, ये देश का पहला इको ब्रिज भी माना जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इको यानी पर्यावरण के अनुकूल, कहाँ स्थान, कालाढूंगी नैनीताल हाईवे पर इसे स्थापित किया जा रहा है और 90 फीट और 5 फीट यानी 90 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है, दो रोडों के बीच का होगा। उद्देश्य क्या है, छोटे छोटे जानवरों को सड़क दुर्घटनाओं के शिकार से बचाना, खासकर रेप्टाइल्स यानी सरीसृप वर्ग के जीवों का संरक्षण करना होता है और सुरक्षा, खासकर सांप और अजगर को लेकर यह है। उनके कुल मिला के ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स वर्ग के जो जीव हैं, खासकर सांप और अजगर, उनके लिए एक फ्लाईओवर है और आप इसे देख भी सकते हैं। निर्माण उत्तराखंड वन विभाग द्वारा और इसमें बांस, रस्सी और घास के निर्मित एक पुल, फ्लाईओवर मतलब घास, रस्सी और बांस से निर्मित एक पुल है जो रेप्टाइल्स के संरक्षण के लिए, ये देश का पहला इको ब्रिज। तो ये था आज का हमारा विशेष टॉपिक और उत्तराखंड से संबंधित 8 महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड ग्रुप सी वीडियो वीपीडियो और उत्तराखंड लेक्चरर को आधार मानकर ये उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण क्लास है। इसी प्रकार में आगे भी जितनी प्रश्न बनने की संभावना रहती है करंट अफेयर से संबंधित, वो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।